है ना, अगरबत्ती जैसी ना, है ना। बस वाह, बच गया बच गया बच गया बच गया, वाह। अरे सब बोलेंगे मुझे ऑफिस में क्या अगरबत्ती आ गई, अगरबत्ती। दूसरी चीज है ये क्या है, एलोवेरा ग्रीन, अच्छा अंडर आई जेल क्रीम। हाँ राहुल की आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो गए हैं ना, वीडियो बना बना के। मैं तो पूरा ही डार्क हूँ यार, क्या डार्क सर्कल, उससे भी डार्क सर्कल्स हो गए हैं सोचो। हाँ। उसमें कटोगे तुम? अरे हम तो फिर तो नॉन वेज जाएगी ना, वेज कहाँ से जाएगी। तो कोई बात नहीं, आज तो नॉन वेज खा सकते हैं। अच्छा सही बात है। गुड मॉर्निंग, सुबह के बज गए हैं 6:30 और मैं जा रही हूँ जिम। मैं आज थोड़ा सा लेट जिम जा रही हूँ क्योंकि राहुल को कहीं जाना था, तो मुझे लगा तो वह जल्दी जाएंगे राहुल, तो मैं राहुल को बोल के आई हूँ कि मैं 7:30 तक वापस आ जाऊँगी। और आज मैं 2-3 दिनों में, मतलब आने में 2 दिन के बाद में जिम जा रही हूँ, एक संडे मंडे एंड ट्यूजडे, आज वेंसडे को जिम जा रही हूँ मैं, क्योंकि कल तो मेरी हिम्मत ही नहीं थी जिम जाने की, और परसों भी शायद कुछ हो गया था इसलिए मैं जिम जा ही नहीं पाई थी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो आज है बुधवार और आज मुझे थोड़ा ऑफिस जो है थोड़ा सा लेट जाऊंगी मैं। और प्रोटीन शेक मैंने पी लिया है, जिम में होके आ गई हूँ, और अब राहुल को कहीं जाना है। मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त के घर पे कृष्णनगर, दीपक के यहाँ पर, क्योंकि तो मुझे जो डी जी एक्शन कैम है ना वो वापस करना है, रिटर्न पे डालना है। एक्चुअली जिन उसका नया मॉडल आ गया है, तो जिस समय मैंने वो लिया था उस समय तक वो अवेलेबल नहीं था, अब जो नया मॉडल है मैं वो ऑर्डर करूंगा, इसके लिए जो पुराना वाला है उसको रिटर्न पे डालना है। तो अब राहुल तो देखो निकल रहे हैं, अब मैं क्या करूंगी, क्योंकि मिट्टू सो रही है, तो मैं अब नहाने धोने का जो काम है और मैं रेडी हो जाऊंगी, तब तक राहुल वापस आ जाएंगे, फिर मैं ऑफिस के लिए निकल जाऊंगी। तो चलिए मैं निकलता हूँ, क्योंकि जल्दी आना है, मम्मी भी नहीं है और फिर मिट्टू को भी देखना है, इसलिए मैं जल्दी से भाग रहा हूँ दीपक घर के लिए। दीपक को कैमरा देके अब मैं घर के लिए निकल चुका हूँ, क्योंकि पूजा ही वेट कर रही है और जल्दी से घर पहुँचना है, टाइम थोड़ा लेट होगा क्योंकि बीच में ना मुझे बहुत ट्रैफिक मिला है, और मैं भी जिस रोड पर हूँ ना, ये वसुंधरा में हमारा फेवरेट रोड है, क्योंकि ना ये बिल्कुल खाली रह रहा है, और ना इस पर देखो ये बिल्कुल, ये रोड ना बिल्कुल खाली रहता है, इससे कभी ज्यादा ट्रैफिक नहीं होता, तो कभी कभी मैं और पूजा ना ऐसे यहाँ पर घूमने आ जाया करते थे, हालांकि अब तो हमें टाइम नहीं मिलता क्योंकि मिट्टू भी हो गई है, तो उस वजह से हमारा घूमना लगभग यहाँ पर बंद ही हो गया है। और एक बात और, इस रोड पर एक बार हमने ना मॉनिटर लिजर्ड देखी थी, बहुत बड़ी छिपकली होती है ना मॉनिटर लिजर्ड, वो देखी थी, लेकिन वो बस एक ही बार देखी, उसके बाद हमने कभी नहीं देखी, लेकिन एक बार मैंने अखबार में खबर जरूर पढ़ी थी कि वसुंधरा और वैशाली के इलाके में एक मॉनिटर लिजर्ड पकड़ी गई है एक सोसाइटी, तो हो सकता है वही लिजर्ड हो। मेरे को फील्ड पे जाना है ना, तो थोड़ा सा मेरे को काम करना था, अप्रूवल्स वगैरह भेजने, तो मैं यहाँ से भेज के उसके बाद फील्ड पे जाऊंगी। और मिट्टू के लिए बन रही है, अब क्या बन रही है? खिचड़ी, वेजिटेबल खिचड़ी। वेजिटेबल खिचड़ी, जिसके लिए कट रही है शिमला मिर्च, प्याज और क्या, हरी मिर्च, टमाटर कटेगा इसमें? इसमें कटोगे तुम? अरे हम तो फिर तो नॉन वेज जाएगी ना, वेज कहाँ से जाएगी। तो कोई बात नहीं, आज तो नॉन वेज खा सकते हैं। अच्छा सही बात है, मैं नहीं खा सकता, मेरे दांत। कोई बात नहीं, मैं मिक्स कर दूंगी, तुम बोल रहे नॉन वेज खा सकते होगे। चलो ठीक है, अपना ही मीट कैसे, घोटा मचा दूंगी, घोटा है अपना ही मीट कैसे खाएंगे भाई अपना ही। अरे हाँ कोई बात नहीं, एक एक करके काटेंगे तुम्हें। सही कह रही हो, काट ही दियो। इसमें डाल रही हूँ मैं मिर्ची, टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च और खिचड़ी जाएगी इसमें। ओके। और मिट्टू आजकल इस ड्रॉर के पीछे पड़ी रहती है भाई, बार 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 इसको खोलती रहती है, इस दरवाजा खोलेगी है देखो, फिर बंद करेगी अपने आप ही, अभी देखना। ये इसका काम है, बस बस। और मिट्टू ने एक चीज और सीख ली है, बस कहना, अब ना बार बार हर चीज में बस मिट्टू एक ही चीज बोलती है, बस बस, खाना खिलाओ तो बस, पानी पिलाओ बस, हर चीज में। और बाहर आज ना मौसम बहुत अच्छा हुआ है, एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है, काली घटा छाई हुई है, और तो और बादल भी गरज रहे हैं, तो उम्मीद है बारिश पड़ने की, लेकिन अगर बारिश पड़ी ना तो भाई पूजा ऑफिस जाने से अटक जाएगी, पूजा क्योंकि आज अभी घर पर ही है अभी तक। तो अभी मैं पहुंच गई हूँ मेट्रो स्टेशन, और यार कितना बुरा लगता है तब जब आप जैसी मेट्रो स्टेशन पहुंचो और मेट्रो आपकी आंखों के सामने से जा रही हो, मेरे साथ वही हुआ है,
और अब पता है 5 से 7 मिनट में मेट्रो आई है, तो मुझे वेट करना पड़ेगा और देखो कितनी देर में आएगी। दोपहर हो रही है वैसे ही, क्योंकि ओ मिट्टू देखो वो पतंग, ओ पतंग देखो वो, और वो पतंग जो है ना वो पेड़ में अटकी हुई है और पेड़ में अटक के उड़ रही है, देखो है ना मिट्टू। और मिट्टू उस पतंग को देख के खुश हो रही है। ये देखो ये सारे कबूतर जमीन पे इसलिए घूम रहे हैं क्योंकि एक छोटा बच्चा है ना इसको चुगना सिखा रहे हैं। ये देखो और जो कैसे दौड़ लगा रहे हैं। ये सारे कबूतर जो है ना अपने बच्चे को खाना खाना और उड़ना सिखा रहे हैं। और देखिए बारिश शुरू हो गई है और बारिश की वजह से देखो सारे पक्षी दुबक के बैठ गए हैं। और इधर देखो मिट्टू सारे पक्षियों को आवाज लगा रही है, मिट्टू बुला लो बुला लो बुला लो। वो देखो वो उसको सामने कबूतर दिख रहा है ना उसको बुला रही है, वो बुला लो मिट्टू बुला लो। बुला लो मिट्टू बुला लो बुला लो सारे कबूतर को। और देखिए बादल तो ऐसे घिर के आए थे ऐसे बहुत तेज बारिश होगी, लेकिन बारिश जो हो रही है बहुत धीरे धीरे हो रही है, जैसे आसमान में से नमक बरस रहा हो बस ऐसी ही बारिश हो रही है। और धीरे धीरे ही सही बारिश भी थोड़ी तेज होने लग गई है देखिए। और जैसे ही मैं गिटार लेकर बैठता हूँ ना भाई मिट्टू का इशू हो जाता है। मिट्टू हट जाओ बाबू, हट जाओ ना प्लीज, हट जाओ मिट्टू। ये देखो यार ये इतनी इमोशनल वो करती है ना, इमोशनल ब्लैकमेल, इतना इमोशनल ब्लैकमेल करती है ना। तो अंदर बैठता है ना। चलो एक्साइटमेंट आई है। तो अभी बज रहे हैं रात के 8:30 और हम लोग आए हैं इंदिरापुरम में, एक रेस्टोरेंट है हैप्पी पंजाब। और एक्चुअली हमारे डीडी के घर पे आए थे तो डीडी ने कहा कुछ बाहर खाने चलते हैं, तो बस हम बाहर आ गए कुछ खाने के लिए। ये लो दूसरा, ये लो तीसरा। तो देखो यार हमारे पास 3 डब्बे पड़े हुए हैं स्किन केयर, हमने मंगवाया था कुछ राहुल ने कुछ मैंने, बट हम लोग खोल ही नहीं पाए क्योंकि हमारे पास इतना टाइम ही नहीं था कि हम उसको खोल पाए। तो आज मैंने ठाना है कि चाहे कितनी ही रात हो जाए मुझे आज ये खोलने है, और रात को 11:30 बजे हम इसकी अनबॉक्सिंग करने लगे हैं। तो सबसे पहले मैं खोलने जा रही हूँ हिमायरा, और मिट्टू को भी इसकी अनबॉक्सिंग करनी है। आ जा साथ में करेंगे। हाइड्रो इंटेंस हाइड्रेशन हाइड्रोबॉम जो तुमने मंगाया वही आया। यस वही आया। सो ये है मॉइस्चराइजर, बहुत सही मॉइस्चराइजर, और इसकी खुशबू तो बहुत ही बढ़िया है। तो चलो पहला जो मंगाया था वो तो मुझे पता था क्या आया है। तो जी अब बारी है पिलग्रिम की। पिलग्रिम को सब जानते होंगे, हिमायरा को नहीं जानते लोग, लेकिन पिलग्रिम की तो आजकल इतनी एडवर्टीजमेंट है कि अब मैं खोलने जा रही हूँ पिलग्रिम। ये तो यार देखो इस डब्बे में ना इतना खचाड़ा था ये, ठीक है डब्बे की पैकिंग मतलब इतना बेकार था, बट इसके अंदर से चीज अच्छी निकली है। देखो इसके अंदर कुछ वो निकला है स्टिकर, ये मैं अपने लैपटॉप पे लगाऊंगी क्योंकि मैं स्किन केयर करती रहती हूँ ना। और ये शायद कुछ थैंक यू कार्ड है, ये तो बिल है। अब हम देखने जा रही हूँ मैं क्या है इसमें। तो इसमें वैसे मंगाया तो मैंने ही, तो मुझे तो पता है कि इसमें क्या है, तो मैंने इसमें सिरम ही सिरम मंगवाया है।
लेकिन ये चार सिरम आने थे यार, तीन क्यों आए हैं? अच्छा हाँ, तीन ही आने थे, 999 में थ्री थे। तो मैंने मंगवाया है विटामिन सी, ये क्या है, नाइसाइनामाइड, और ये तीसरा है नाइसाइनामाइड। हाँ ये तीन मैंने मंगवाए हैं 999 में, तीन सिरम पिलग्रिम से। ओके तो चलो जी, अब आ जाते हैं सबसे बड़े डब्बे पर जिसमें बहुत सारा आइटम निकलने वाला है। ये मैंने ऑर्डर नहीं किया, इसलिए मेरे को पता नहीं है, ये राहुल ने ऑर्डर किया। तो चलिए इसको खोलते हैं। और बेला वीटा का नाम आप सबने सुना ही होगा। वाओ आई लाइक इट, सी बिल्कुल पैक करके दिया है। इसमें कुछ परफ्यूम आया राहुल, देखो छोटा सा टेस्टर। तो ये मेन के लिए, वैसे ये एक फ्री है, ये फ्री है, और ये तुम्हारे लिए है। हाँ सारा मेरे लिए है। हाँ मेरे लिए भी है ये सारा, मैं इसको खोलने जा रही हूँ। यार कुछ वो मंगवाया है इसमें, वाओ यार देखो काम का होना चाहिए बस। तो भाई सबसे पहले है हमारे पास में D10 पैक जो राहुल ने मंगाया है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज है ये क्या है, एलोवेरा ग्रीन, अच्छा अंडर आई जेल क्रीम। हाँ राहुल की आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो गए हैं ना, वीडियो बना बना के। मैं तो पूरा डार्क हूँ यार, क्या डार्क सर्कल, उससे भी डार्क सर्कल्स हो गए हैं सोचो। हाँ ये बात ये तुम्हारे बहुत काम आएगी। ओके फिर है तीसरी चीज, ओ माय गॉड दिस इज सनस्क्रीन, सनस्क्रीन 50 PA 3 है, लेकिन PA प्लस 3 है। नेक्स्ट है हमारे पास में है, दिस इज व्हाट, सी विटामिन सी ग्रीन टी, ये क्या है। तो नेक्स्ट है ये है फेस वॉश, ये क्या है, दिस इज समथिंग, ये है अतर, ये है अतर, यस वाओ पैकिंग अच्छी है इसकी, देखो कितनी बढ़िया पैकिंग है। और ये सबसे अच्छा है क्योंकि मुझे रोज वाटर की बहुत जरूरत थी, और ये बड़ी बॉटल आई है और मैं इसको यूज करने वाली हूँ, और मैं इसको राहुल को यूज नहीं करने दूंगी इसको मैं ही यूज करूंगी तुम्हारे लिए मंगाई है सीरियसली, थैंक यू। इसको खोल दें, अतर को खोल दें, खोल लो खोल, लेकिन ये मेंस है आदमियों के। तो क्या हो गया, खुशबू तो सूंघ सकती हूँ मैं। और वैसे भी अतर में पता नहीं चलता मेन है कि विमेन है, बट देख रहे हो ताज का अतर बनाया इन्होंने। मैं इसको खोलती हूँ, देखती हूँ, भगवान तुम्हें इसकी स्मेल पसंद ना आए बस। पहले सूंघने तो दो। हाँ सूंघ लो, आराम से सूंघो, थोड़ी अगरबत्ती है ना, अगरबत्ती ऐसी ना है ना, बस बस बच गया बच गया बच गया बच गया, वाह अगरबत्ती कैसी है यार, सही है। हाँ सही, अगरबत्ती ऐसी बच गया, नहीं सही में अगरबत्ती कैसी है, मोगरा अगरबत्ती, मोगरा, यस मोगरा अगरबत्ती मंगाई है मैंने, बच गया। इसका मतलब ये मोगरा अगरबत्ती तुम ही इस्तेमाल करना, इसका मतलब ये है कि ये बच गया भाई। चलो मेरी एक चीज तो कम से कम बच गई यार, मेरे को तो एक ही चीज यूज करनी है, ये तो मैं यूज भी नहीं करूंगी। हाँ तो मैं अब अगर... सब बोलेंगे मुझे ऑफिस में क्या अगरबत्ती आ गई, अगरबत्ती कोई बात नहीं, मैं अगरबत्ती मैं बन जाऊंगा, कोई बात नहीं, मैं बन अगरबत्ती, मोगरा अगरबत्ती मैं बन जाऊंगा अगरबत्ती। तो मैं इस अगरबत्ती को अगरबत्ती के बॉक्स में रख देती हूँ, ठीक है ठीक है, वेरी गुड भगवान, अच्छा अगरबत्ती देखो चली गई अगरबत्ती के बॉक्स में, ठीक है ठीक है, अच्छा तुम्हें पसंद नहीं आया भाई, बच गया बच गया बच गया, मेरा सामान बच गया, अगरबत्ती ने बंद कर दी, पैक कर दी, गुड 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 गुड। चलो खर्च करो, तो आज बुधवार है, हम डीडी के यहाँ गए, तो फिर उसके बाद हमारा प्लान बन गया कि चलो कहीं बाहर खाना खाने चलता है, ठीक है। बाहर खाना खाने गए तो हम, लेकिन यार हम खाना मतलब एंजॉय करके खा ही नहीं पाए। देखो खाना तो बहुत टेस्टी था, सच में खाना बहुत टेस्टी था, और बच्चों की वजह से ना हमने बस खाना जैसे जैसे करके खाया है, इवन हम ना वहाँ पे रिकॉर्ड भी नहीं कर पाए कि खाना कैसा है, क्या क्या हमने खाया, कुछ भी नहीं रिकॉर्ड नहीं कर पाए। बस ये है कि बच्चों को खिलाते रहे और बच्चे रोते रहे, तो इनको चुप कराते रहे, उसी में लगे रहे। उसके बाद सोचा कि थोड़ा चलो ड्राइव करके घूम लेते हैं, लेकिन भाई मिट्टू ने और धीरू ने इतना जो रो और राट करके नाक में दम किया ना भाई, बस ये तो हम समझा और वापस घूमे और घर आ गए। हम घर पहुंच गए हैं और ये तो कुछ हो? हम घर पहुंच गए हैं और अब मिट्टू को नींद आ रही है, इसको दूध पिला के इसको सुलाते हैं और हम भी सोते हैं। और चलिए अब इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।